नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज हम वितान भाग दो से चैप्टर संख्या 3, जिसका नाम है अतीत में दबे पांव, और यह चैप्टर लिखने वाले कौन है? ओम थानवी जी। तो इस सेशन में हम ओम थानवी जी के जीवन परिचय के साथ साथ अतीत में दबे पांव, जिसमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों नगरीय सभ्यता के बारे में चर्चा हम लोग सारांश रूप में पढ़ेंगे। और यहाँ सर्वाधिक इन्होंने जानकारी हमें सबसे प्राचीन नगर जो सभ्यता है, जिसका नाम मोहनजोदड़ो, उसके बारे में हम लोग जानकारी भी प्राप्त करेंगे। तो प्यारे बच्चों, जल्दी सेशन जुड़ जाइए, आपकी वितान भाग दो पुस्तक भी स्टार्ट हो चुकी है। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों से पूछ लिया जाए कि ओम थानवी जी का जन्म कब हुआ, इनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ होती है, इन्होंने हिंदी साहित्य में क्या क्या योगदान दिया है कि आज हम लोग इनको याद करते हैं। तो ध्यान रखना प्यारे बच्चों, यदि इनके जन्म के बारे में पूछा जाए तो 1957 ईस्वी में इनका क्या होता है, अभी जन्म होता है। और शिक्षा दीक्षा इनकी बात करें, इन्होंने शिक्षा जिस स्कूली जहाँ से स्कूल की शिक्षा प्राप्त की, जहाँ से बी ए एम ए किया इन्होंने, उस शहर का नाम बीकानेर। और बीकानेर किस राज्य में पड़ता है प्यारे बच्चों? राजस्थान राज्य में पड़ता है, ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो जन्म बीकानेर 1957, शिक्षा दीक्षा भी बीकानेर में ही होती है। अब देखिए, हम लोग पढ़ते हैं कि इन्होंने क्या क्या योगदान दिया है हिंदी साहित्य के अंतर्गत। राजस्थान विश्वविद्यालय से व्यावसायिक प्रशासन में एमकॉम किया, यानी कि राजस्थान विश्वविद्यालय कहाँ है? जयपुर में। और जयपुर भी किस राज्य में पढ़ता है? राजस्थान में पढ़ता है। तो व्यावसायिक प्रशासन, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि आप लोग पढ़ते हैं ना अकाउंट्स, पढ़ते हो ना, तो अकाउंट्स विषय से इन्होंने क्या किया, एमकॉम किया, मास्टर डिग्री प्राप्त की है प्यारे बच्चों। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के महासचिव भी रह चुके हैं। 1980 से लेकर 1989 तक, यानी कि 9 वर्ष इन्होंने राजस्थान पत्रिका में भी कार्य किया है, यानी कि उनके कर्मचारी रहे। यानी कि कहने का तात्पर्य क्या है, राजस्थान पत्रिका जो आज वर्तमान में भी चल रहा है प्यारे बच्चों, उसमें ये काम कर चुके हैं 9 वर्ष तक। इतवारी पत्रिका के संपादन ने साप्ताहिक को विशेष प्रतिष्ठा दिलाई, यानी कि एक पत्रिका थी जिसका नाम है इतवारी, और यह हर संडे को प्रकाशित होती थी। इनसे इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा, यानी कि राजस्थान राज्य में बहुत ही अत्यधिक ये क्या हो गए, लोकप्रिय हो गए, और राजस्थान के साथ साथ पूरे भारत में भी हो चुके हैं, जिसे हम आज लोग हमारी पाठ्य पुस्तक वितान भाग दो में पढ़ रहे हैं। सजग और बौद्धिक समाज में इतवारी पत्रिका ने अपने दौर में विशेष स्थान बनाया है। तो कैसे याद रखोगे? इस प्रकार से याद रखना है कि 1957 ईस्वी में बीकानेर में इनका जन्म होता है। शिक्षा दीक्षा भी कहाँ होती है? बीकानेर में होती है। और इन्होंने एम कॉम किया है कहाँ से? राजस्थान विश्वविद्यालय से किया है इन्होंने, आपको ध्यान रखना है। इन्होंने 1980 से लेकर के प्यारे बच्चों 1989 तक, ये 9 वर्षों तक कहाँ पे प्यारे बच्चों? राजस्थान पत्रिका में भी कार्य किया है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद बात करें, एक पत्रिका थी इतवारी, यानी इतवारी से नाम पता चला, इतवार यानी कि रविवार, यानी रविवार को एक पत्रिका प्रकाशित होती थी जिसका नाम था इतवारी पत्रिका। इससे इन्होंने सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त की है, जिससे कि प्रत्येक इंसान तो नहीं कह सकते, हम लोग पढ़े हुए जितने भी इंसान थे वो सब इनके बारे में जानने लग गए। अपने सामाजिक और सांस्कृतिक सरोकारों के लिए जाने जाते हैं, यानी सामाजिक, यानी समाज के प्रति भी और संस्कृति के प्रति उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए हैं। अभिनेता और निर्देशक के रूप में भी स्वयं रंगमंच पर सक्रिय रहे, यानी स्वयं ने भी रंगमंच पर एक अभिनय के रूप में भी, अभिनेता के रूप में और निर्देशक के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। साहित्य कला, सिनेमा, वास्तुकला, पुरातत्व और पर्यावरण में गहन दिलचस्पी रखते थे। 80 के दशक यानी 1980 में सेंटर फॉर साइंस एनवायरमेंट, यानी सी एस ई सेंटर फॉर साइंस एनवायरमेंट की फेलोशिप पर राजस्थान के पारंपरिक जल स्रोतों पर खोजबीन कर विस्तार से लिखा, यानी कि इन्होंने कह सकते हैं हम लोग PhD जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है, इन्होंने PhD की है, किसमें? पारंपरिक जल स्रोतों पर खोजबीन इन्होंने की, यानी कि फेलोशिप इन्होंने प्राप्त हो चुकी थी CSE के तौर पर, यानी कि सेंटर फॉर साइंस एनवायरमेंट पर इन्होंने बहुत अच्छा एक शोध प्रबंध लिखा है, और साथ में उनको क्रिएटिव भी बनाया है, जिससे इन्हें फेलोशिप प्राप्त हो गई, जिसे हम लोग PhD कहते हैं ना, आज डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त कर लेते हैं।
पत्रकारिता के लिए अन्य पुरस्कारों के साथ गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार भी इन्हें प्राप्त हो चुका है। 1999 से संपादक के नाते दैनिक जनसत्ता दिल्ली और कलकत्ता के संस्करणों का भी दायित्व संभाला, यानी कि 1999 से ये, यानी कि एक जनसत्ता अखबार था दैनिक जनसत्ता जिसका नाम था, दिल्ली और कलकत्ता के संस्करण का ये संपादक रूप में कार्य कर रहे हैं, इनका संपादन कर रहे हैं। पिछले 17 वर्षों से इंडियन एक्सप्रेस समूह के हिंदी दैनिक जनसत्ता के संपादक के रूप में कार्यरत हैं। पिछले 17 वर्षों से ये वर्तमान में भी ये हिंदी दैनिक जनसत्ता के संपादक के रूप में कार्य कर रहे हैं, जो कहाँ से प्रकाशित होती है, दिल्ली और कलकत्ता से, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखो, अब यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण था, एक तो ध्यान रखना ये वर्तमान समय किस में किस पत्रकारिता में कार्य करें, जनसत्ता में कार्य करें जो दैनिक है जो रोजाना प्रकाशित तो होता है, कितने वर्षों से, पिछले 17 वर्षों से, एक तो ये ध्यान रखना है। एक दूसरी इनको एक बात ये और ध्यान रखनी है क्या कि इन्होंने शिक्षा दीक्षा कहाँ से प्राप्त की और वो कहाँ से प्राप्त करते हैं, प्यारे बच्चों बीकानेर से प्राप्त करते हैं। जन्म भी याद रखना 1957 में राजस्थान राज्य में इनका क्या होता है, भी जन्म होता है, ठीक है। अब देखो महत्वपूर्ण चीज क्या है, यहां से बनता है आपका एक क्वेश्चन, क्या पूछा जाएगा, अतीत में दबे पांव इतिहास हमें दिशा दे सकता है, तो ऐतिहासिक नगर सभ्यता के विकास को दिशा दे सकते हैं, यानी कि अतीत में दबे पांव इन्होंने नगरीय सभ्यता के बारे में बताया, जो प्राचीनतम नगरीय सभ्यता थी जिसका नाम मोहनजोदड़ो है, आज भी उसी ग्रीड शैली में कलकत्ता शहर को बसा हुआ भी हम लोग देखते हैं। यानी कि पूछा जा सकता है कि प्राचीन नगरीय सभ्यता जिसे हम लोग अतीत में दबे पांव मोहनजोदड़ो को पढ़ा है, तो उस ग्रीड शैली पर वर्तमान में कौन सा शहर बसा हुआ है, तो ध्यान रखना। इसी संदर्भ में यह रचना ओम थानवी की यात्रा वृत्तांत और रिपोर्ट का मिला जुला रूप है, यानी कि हम लोग जो अतीत में दबे पांव हैं, यह एक यात्रा वृत्तांत के साथ साथ में, यात्रा वृत्तांत के साथ साथ में किसका, रिपोर्ट का भी मिला जुला रूप है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। जो अब तक के ज्ञान में भारतीय भूमि ही नहीं विश्व फलक पर भी गठित सभ्यता की सबसे प्राचीन घटना को उतने ही सुनियोजित ढंग से पुनर्जीवित करता है जितने सुनियोजित ढंग से उसके दो महानगर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा बसे थे। यानी कि यहाँ जो अतीत में दबे पांव नाम से जो रेखा चित्र लिखा है, ये इन दोनों शहर की यात्रा करते हैं और ज़्यादा इन्होंने यात्रा की, बहुत अच्छे से खंगाला है, एक एक छोटी छोटी वस्तु खंगाला जिसका नाम मोहनजोदड़ो शहर, और ये एक ग्रीड शैली में बसा हुआ एक नगरीय सभ्यता का शहर है। यानी कि लेखक ने बताया कि अब तो कुछ मकान टूट फूट चुके हैं और उसी सभ्यता में आज भी मोहनजोदड़ो, उसी नगरीय सभ्यता में जो मोहनजोदड़ो बसा हुआ था, आज भी उसी सभ्यता में शहर बसे हुए हैं। बताया इन्होंने इसमें कि कोई भी मकान है वो कोई किसी मकान का दरवाज़ा सड़क की तरफ नहीं खुलता है, बड़ी बड़ी सड़कें थी, चौड़ी चौड़ी सड़कें भी थी, वर्तमान समय में जैसी हैं वैसी ही थी। यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं कि जो पहली सभ्यता नगरीय सभ्यता दिखाई गई यहाँ पे, आज भी वैसी सभ्यता हमें आज वर्तमान के शहरों में दिखाई देती है। लेखक ने टीलों, स्नानघरों, मृद भांडों, कुओं, तालाबों, मकानों, मार्गों से प्राप्त पुरातत्वों में मानव संस्कृति की उस समझदार भावात्मक घटना को बड़े इत्मीनान से खोज खोज कर हमें दिखलाया है, जिससे हम इतिहास की सपाट वर्णात्मक से ग्रस्त होने की जगह इतिहास बोधित तर शिक्षित होते हैं। जिस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता एक समय प्राणदार से तरती, यानी सिंधु घाटी सभ्यता पहले जो जीवित थी, यानी उसमें इतने अच्छे अच्छे शहर बसे हुए थे, आज वर्तमान में वो लुप्त हो चुके हैं। अब कुछ वैज्ञानिकों द्वारा उन्हें उनका उत्करण किया जा रहा है कि पहले क्या क्या, किस प्रकार से लोग रहते थे, उनका रहन सहन क्या था, पानी बहने के लिए नालियाँ बनी हुई थी नहीं बनी हुई थी, किन किन औजारों का प्रयोग करते थे, उनके व्यवसाय का मुख्य साधन क्या था, इन सब के बारे में उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से लिखा है, जिससे हमें बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त होती है। सिंधु सभ्यता के सबसे बड़े शहर मोहनजोदड़ो की नगर योजना अभिभूत करती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यहाँ सबसे अच्छी बात तो क्या है, इन्होंने जो प्राचीनतम नगरीय सभ्यता थी ना मोहनजोदड़ो, उसके बारे में बहुत ही अच्छे से एक एक चीज़ को खंगाला है और हमारे सामने उन्होंने लिखा है, और हमें ऐसा लगता है कि हाँ पहले जो चीज़ें थी आज भी हम भी उन्हीं चीज़ों का ही वर्तमान में प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन बस थोड़ा सा उनके डिज़ाइनों में, उनके नामों में कुछ परिवर्तन कर दिया है। वह आज के सेक्टर मार्का कॉलोनियों के निरस नियोजन की अपेक्षा ज़्यादा रचनात्मक थी, यानी कि ये सेक्टर मार्का कॉलोनियों के नाम है, निरस नियोजित की अपेक्षा
ज़्यादा रचनात्मक थी क्योंकि उसकी बसावट शहर के खुद विकसने का अवकाश भी छोड़कर चलती है। इन कहने का तात्पर्य क्या है? यह जो सभ्यता बसी हुई थी यह किसी एक व्यक्ति के दिमाग की उपज नहीं थी, सभी व्यक्ति समूह में बैठ करके फिर कोई भी कार्य करते थे। तो इस प्रकार ने कहा है कि उसकी बसावट शहर के खुद विकसने का अवकाश भी छोड़ कर चलती थी। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, जब भी कुछ विकसित होता है तो किसी एक दिमाग की उपज न होकर के सामूहिक उपज हुआ करती थी। पुरातत्व के निष्प्राण पड़े चिन्हों से एक जमाने में आबाद घरों, लोगों और उनकी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक व आर्थिक गतिविधियों का पुख्ता अनुमान किया जा सकता है। वह सभ्यता ताकत के बल पर शासित होने की जगह आपसी समझ से अनुशासित थी। अभी अभी बताया कि वहाँ किसी प्रकार कोई राजा महाराजा नहीं रहा करते थे, वहाँ लोग एक डिसीजन लेता तो फिर वह सभी एक सामूहिक बैठ करके उस डिसीजन को बताता, फिर सभी तोल मोल करके ही उस कार्य को वो किया करते थे। उसमें भव्यता थी, आडंबर नहीं था, बिल्कुल भी आडंबर दिखावा नहीं था, उसमें भव्यता थी सभी व्यक्तियों की समझ के अनुसार। उसकी खूबी उसका सौंदर्य बोध था जो राजपोषित, धर्म पोषित न होकर समाज पोषित है। यानी कि कोई राजा भी शासन नहीं करता था, किसी धर्म के अनुसार भी वह पोषित नहीं थी, वह केवल समाज द्वारा पोषित एक नगरीय सभ्यता थी जिसका नाम था मोहनजोदड़ो। अतीत की ऐसी कहानियों के स्मारक चिन्हों का आधुनिक व्यवसाय के विकास अभियानों की भेंट चढ़ते जाना भी लेखक को कचोटता है। यानी कि आज ये चिन्ह सब समाप्त हो गए। अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ जो मोहनजोदड़ो के बारे में जो बताया गया है उसका एक बार अर्थ देख लीजिए, फिर मैं एक बार निष्कर्ष बता दूंगा। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित पुरातात्विक स्थान जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता बसी थी। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मुर्दों का टीला। वर्तमान समय में इसे मोहनजोदड़ो के नाम से जाना जाता है। एक है हड़प्पा है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का पुरातात्विक स्थान जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा प्रमुख नगर बसा हुआ है। यानी कि यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के दो नगर हैं, एक है मोहनजोदड़ो, दूसरा है हड़प्पा। अब मोहनजोदड़ो वर्तमान में हम लोग इसे मोहनजोदड़ो के नाम से जानते हैं, लेकिन पहले इसका अर्थ था मुर्दों का टीला। ये भी आपको ध्यान में रखना है, मुर्दों का टीला, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। हाँ, मुर्दों का टीला, ये आपसे पूछा जाएगा मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो मुर्दों का टीला। दूसरी सबसे बड़ी बात, यह मोहनजोदड़ो थी, यह एक समाज पोषित सभ्यता थी, यह भी आपको ध्यान में रखना है। यानी आपसे पूछा जा सकता है अतीत में दबे पांव जिस नगरीय सभ्यता का उल्लेख किया गया है वह है, यानी धर्म पोषित है, राज पोषित है, समाज पोषित है या उपयुक्त सभी, तो ध्यान रखना यह समाज पोषित है, ना तो धर्म पोषित है ना ही राज पोषित है। यानी कोई भी राजा शासन नहीं करता था, किसी धर्म विशेष का भी आडंबर नहीं था। दूसरी सबसे बड़ी बात, यहाँ केवल भव्यता यानी सुंदरता जो सुंदरता दिखाई देती है, किसी प्रकार का कोई आडंबर हमें यहाँ पे दिखाई नहीं देता है। और हम लोग यह भी कह सकते हैं कि यहाँ किसी एक व्यक्ति के दिमाग की उपज न होकर के सामूहिक निर्णय लिया जाता था, इसलिए यह जो सभ्यता है यह समाज पोषित सभ्यता कहलाती है, यह आपको ध्यान में रखना है। और कहाँ पड़ता है ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थान है जो कहाँ है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, यह आपको ध्यान में रखना होगा। इल्हाम, इल्हाम का अर्थ होता है अनुभूति। कसीदेकारी, कपड़ों पर फूल चित्र अंकित करने की कला है। गुलकारी, गुलकारी होता है कसीदाकारी, कपड़ों पर फूल चित्र अंकित करने की कला। यानी ध्यान रखना गुलकारी और कसीदाकारी को, यानी कि कपड़ों पर फूल चित्र अंकित करने की कला को कसीदाकारी कहते हैं, गुलकारी कहते हैं, कसीदाकारी को ही कहा जाता है कपड़ों पर फूल चित्र अंकित करने की कला को। गुलकारी कहा जाता है। प्यारे बच्चों, ये था हमारा ओम थानू जी का जीवन परिचय, साथ में इन्होंने जो रेखा चित्र, यह ध्यान रखना पूछा जा सकता है अतीत में दबे पांव, अतीत में दबे पांव गद्विधा में है, तो गद्विधा में क्या है, यात्रा वृतांत के साथ साथ, यात्रा वृतांत के साथ साथ रिपोर्ट का मिला जुला रूप है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, जो कोड आपको दिखाई दे रहा था Y323, इसका प्रयोग आप लोग कहाँ कर सकते हैं, पावरफुल इंग्लिश स्पोकन बैच
यानी कि किस प्रकार से अंग्रेजी बोल सकते हैं हम लोग फर्राटे से, क्योंकि आज किसी भी शहर में चले जाओ 90% आपको अंग्रेजी बोलते हुए दिखाई दोगे। मेरे जैसे मान लो हिंदी वालों को देखते रहते हैं ये क्या बोल रहा है अभी, तो प्यार बच्चों तुम्हें अभी सीखना है इसे अच्छे से, तो आपको सीखना है पेड़ बेस ज्वाइन होना है, तो आपको कोड यूज करना है Y323। जैसे आप लोग ये कोड यूज करोगे ना तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा, चाहे वो 17 हो, चाहे वो 77 हो, चाहे 70 हो, चाहे 50 हो, कितना भी हो कोड यही रहेगा हमेशा, ठीक है। और वो जो परसेंट आपका जो मैक्सिमम डिस्काउंट है आपका वो बदलता ही रहता है हमेशा। अब आपको PYQ चाहिए, आपको PDF चाहिए, आपको MCQ चाहिए, क्वेश्चन आंसर चाहिए, किसी चैप्टर की समरी चाहिए, वो सब आपको अड्डा 24/7 ऐप पर डाउनलोड करना होगा प्यार बच्चों। डाउनलोड करके वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वो सब चीज़ें मिल जाएंगी, PDF भी मिल जाएगी, PYQ मिल जाएंगे, सैम्पल पेपर मिल जाएंगे, MCQ भी मिल जाएंगे, क्वेश्चन आंसर प्रत्येक प्रकार की चीज़ आपको यहीं पर मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट में, ठीक है प्यार बच्चों। अब सेशन अच्छा लगता है तो चैनल को आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूले एक बार हमेशा, क्योंकि हमें पता है कि हम जितना पढ़ा रहे हैं जितनी मेहनत करें आप लोगों को समझ में भी आ रहा है या नहीं आ रहा, तो कमेंट करके अवश्य पढ़ाएं। और लाइव वगैरह आप लोग देख लीजिएगा, समझ में आ जाता कर दीजिएगा वरना रहने दीजिएगा। तो प्यारे बच्चों कैसा रहा आज का सेशन, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा रहा होगा, समझ में भी आ गया होगा। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।